श्रद्धालुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े तीर्थस्थलों में से एक केरल के सबरीमाला को लेकर आंदोलन अब पूरे देश में फैलने लगा है। केरल से निकलकर देश के अन्य भागों के लोग भी अब उस विरोध में अपना समर्थन देने लगे हैं। यहाँ तक कि बिहार के लोग अब कहने लगे हैं कि सबरीमाला मंदिर में स्थापित देवता अयप्पन गंगा और नारायण के संगम पर सोनपुर में विराजमान बाबा हरिहरनाथ के ही ब्रह्मचारी विग्रह हैं। वहीं नेपाल के लोगों का कहना है कि मुक्तिनाथ में विराजमान हरिहर भगवान ही केरल के सबरीमाला अयप्पन योगी के रूप में विराजमान है। आस्था पर आंच का विरोध केरल से बढ़कर अब देश के अन्य स्थानों पर भी फैल रहा है। केरल के सबरीमाला का धार्मिक कनेक्शन बिहार के हरिहरनाथ और नेपाल के मुक्तिनाथ तक है। ऐसे में केरल से फूटा विरोध स्वर कब बिहार होते हुए नेपाल पहुंच जाए यह कहना कठिन है, क्योंकि इतिहास बताता है कि एक जगह से उठा विरोध का स्वर दूसरे जगह तक पहुंचने में समय नहीं लगता। इसके लिए ज्यादा पहले नहीं, बस 40 साल पहले इंदिरा सरकार के समय हमें देखना होगा कि कैसे गुजरात में शुरू हुआ छात्र आंदोलन देखते देखते बिहार पहुंच गया था और पूरे भारत में फैल गया था, जो इंदिरा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर गया था। देखिए, हरिहरनाथ और जब से उत्तर जाएंगे आप नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर, तो वहां पर मुक्तिनाथ है। दोनों के अंदर हरि और हर दोनों हैं। फिर हमको लगता है कि भारतीय सांस्कृतिक एकता को लेकर के रामानुजाचार्य ने यह परंपरा खड़ी किया था। और जो भगवान अय्यप्पा हैं सबरीमला, तो सबरीमला में जो परंपरा है वो परंपरा इस प्रकार की है कि 11 वर्ष की से कम की कन्या और फिर बूढ़ी महिलाएं वहां जाती हैं। 40-45 दिन की यात्रा है वो। 40-45 दिन की यात्रा में जो रजस्वला महिलाएं रहती हैं उनको जाने पर वहां प्रतिबंध है, और वहां स्वाभाविक रूप से वो नहीं जाती हैं। हमारे यहाँ कोई कुरान और हदीस में जो लिखा है वैसा हमारे यहाँ किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है, और सभी जो धार्मिक चीज़ें हैं उसके हमारे प्रमाण जो है वो श्रुति है, और व्यवहार में जो है महाभारत रामायण में इसमें कहीं उसका वर्णन नहीं है कि किसी महिला को पूजा करने से रोका गया है या किसी में कोई आपत्ति, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ तो परंपरा यह है कि जो चूँकि वो ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, हरि और हर दोनों की विग्रह है, इसलिए जो है रजस्वला महिलाएं वहां स्वयं नहीं जाती हैं, कोई रोक नहीं है। वो केरल के जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो हिंदुत्व और भारतीयता से उनको कोई लेना देना नहीं है और उसके विरोध स्वरूप वो सारे लोग हैं, इसलिए वो विवाद एक प्रकार का खड़ा करना चाहते हैं। वो हिंदू धर्म की निष्ठाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उनका केवल एक उद्देश्य है हिंदुओं को, हिंदू समाज को अपमानित करना, और कोई उद्देश्य उनका नहीं है। हमारे संगठन के लोग तो देखिए काम कर रहे हैं उस पर जो है, और आपको ध्यान होगा कि वहां पर महीनों आंदोलन चला है, और हम ये समझते हैं कि पूरे भारत में उस घटना को लेकर पूरे भारत के हिंदू समाज के अंदर अच्छी जागरूकता भी है। और अब हम लोग जो है, जो हमारी हरिहरनाथ मुक्तिनाथ यात्रा निकलती है, हम यहाँ 10 यात्राएं बिहार के अंदर निकाल रहे हैं जो मुक्तिनाथ तक जाने वाली है, और अय्यप्पा भगवान के बारे में हम यहाँ। अय्यप्पन की साधना स्थली पर मासिक धर्म से युक्त महिलाओं के नहीं जाने की प्राचीन परंपरा रही है। इस परंपरा के पक्ष में अय्यप्पन को मानने वाली सभी महिलाएं खड़ी हैं। वहीं प्रगतिशीलता और नारी अधिकार के नाम पर कुछ संगठन सबरीमाला मंदिर में पुलिस के बल पर महिलाओं को प्रवेश कराने में सफल रहे। यह खबर केरल में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग सड़कों पर उतर आए। विरोध इतना तीव्र है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित केरल यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी। सरकार व न्यायालय के फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि सबरीमाला में महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि वैसे महिला या पुरुष उस मंदिर में नहीं जा सकते जो 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं। पुरुष ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म जैसे प्राकृतिक कारणों से महिलाएं 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य की सभी पवित्रता को धारण नहीं कर सकते। ऐसे में प्राचीन काल से ही यह नियम चला आ रहा है कि 10 वर्ष तक की बालिका व युवावस्था को पार कर चुकी 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं ही उस मंदिर में
प्रवेश कर सकती हैं और पूजा अर्चना कर सकती हैं। वहीं केरल के इस मंदिर में सभी जाति व धर्म के लोग पूजा करते रहे, इस पर किसी को आपत्ति नहीं रही। सामाजिक समरसता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस मंदिर को विवाद में घसीटने का विरोध चारों ओर हो रहा है। बिहार में भी इस मंदिर की मर्यादा की रक्षा के लिए लोग एकजुट होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था। विभिन्न संगठनों के बुलाए हड़ताल के दौरान फैली हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 800 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। केरल सरकार के इस कदम को हिंदुओं पर हमला करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अनशन शुरू हो गया है। अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी केरल प्रदेश भाजपा की महामंत्री शोभा सुरेंद्र अत्यंत तल्ख लहजे में कहती हैं कि केरल सरकार भारत की संस्कृति पर हमला कर रही है और हम इसे सहन नहीं कर सकते। ये केरल का शासन वाला चीफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर के कुछ भी तो देते नहीं। ये शबरीमला टेम्पल में आचार को लेकर करने के लिए ये चीफ मिनिस्टर परिश्रम किया है, लेकिन उनका विरोध क्योंकि हमारा मन में ये शबरीमला धर्म स्थान है, देवभूमि है, ये देवभूमि को संघर्ष भूमि बनाने के लिए ये चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। जब शबरीमाला में भक्तों के दर्शन व पूजन का समय आता है, तब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेकर हवाई अड्डे तक काले वेश में लोग मिल जाते हैं। उनके साथ युवा महिलाओं की जगह छोटी छोटी बच्चियां और उम्रदराज महिलाएं होती हैं। शबरीमाला को लेकर केरल सरकार के रवैये के प्रति वे काफी दुखी होते हैं। लगभग सबका जवाब यही होता है कि पूजा के लिए शरीर का पवित्र और स्वस्थ होना आवश्यक होता है। जब कोई गंदे हाथ से भोजन नहीं कर सकता तो गंदे शरीर से पूजा कैसे कर सकता है। मंदिर की मर्यादा को दरकिनार कर दिए गए फैसले को कोई कैसे स्वीकार कर सकता है। और यही कारण है कि 4 महीने से अधिक हो गए सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए और अब तक आस्था को लेकर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का विरोध जारी है। शबरीमाला से संबंधित और भी अन्य अपडेट के लिए आप देखते रहिए स्वतः समाचार। धन्यवाद।